में आगे बढ़ते, वाराणसी में नामांकन के दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से अभद्रता का पूरा मामला सामने आया, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज करवाई। इंडिया न्यूज संवाददाता ने यहां पर ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने हम आपको सुनाते हैं। पहले तो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। सर, वाराणसी में कल नामांकन दौरान घटना हुई, क्या कुछ घटना थी, उसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, कल जो मेरे साथ घटना हुई, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस आई हुई है कि नामिनेशन कक्ष में उसके सामने एक बैरिकेटिंग बनती है, वहाँ 3 लोग प्रवेश कर सकते हैं मात्र। उस कड़ी में मैं, अरविंद राजभर प्रत्याशी और एक प्रस्तावक, 3 लोगों की अनुमति थी, 3 लोग हम लोग अंदर जब जाने लगे तो उस समय योगी जी के गुंडे वहाँ पहले से सैकड़ों की संख्या में बैठाए गए थे, डीएम और कमिश्नर के सह पर बनारस। अगर ऐसा नहीं था तो फिर 3 ही कोई अनुमति थी तो वो कैसे बैठे थे? और पहुंचते ही हम लोगों को गाली गुप्ता शुरू हो गया, मार साले को गोली मार दो, यहीं हत्या कर दो इसकी। फिर हम लोग सुनते हुए चले गए अंदर, रिटर्निंग अफसर के यहाँ गए तो रिटर्निंग अफसर के यहाँ जब हम लोग फार्म दिए, फार्म जाँच होने लगा, कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद स्थिति ये हो गई कि दौर ये चला कि रिटर्निंग अफसर खुद कहा कि बाहर किस तरह की नारेबाजी, इस तरह की मतलब बातें हो रही हैं। ये लोग हम लोगों को निकलते ही मारपीट शुरू कर दिए, कोई इधर कालर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई हाथ मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है। खैर, हम लोग वहाँ सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, और पुलिस, मजे की बात, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी पुलिस उन्हीं अपराधियों को, माफियाओं की संरक्षण दे रही है। और लोग कह रहे हैं वकील लोग थे, वकील की भाषा ये नहीं हो सकती है। वकील एक न्याय दिलाने का काम करता है, एक सभ्य होता है, इस तरह की गुंडा माफिया की भाषा वो नहीं बोलता है। चुनाव आयोग को एक फैक्स किया, राज्य निर्वाचन आयोग को किया कि हमारी सुरक्षा और अरविंद की सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। और तत्काल चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव चाहता है तो वहाँ के डीएम और कमिश्नर को तत्काल हटावे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर। साफ तौर पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी साथ सुभाषपा का गठबंधन और कहीं का उत्साहित भी नजर आता है।